जैसे कि 15 जुलाई सोमवार के दिन पड़ रही है गुप्त नवरात्रि की नौमी तिथि, बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है। इस दिन ऐसा हम खास क्या उपाय करें जिससे कि भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद भी प्राप्त हो और साथ में ही माँ दुर्गा का भी। आदि शक्ति जिसे कहा जाता है उनका आशीर्वाद, वो भी एक ही दिन सोमवार और नौमी तिथि पर जाने से हम भगवान शिव शंकर का भी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, साथ में माँ दुर्गा को भी। गुप्त नवरात्रि की यह नौमी तिथि बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होती है। तो आज के दिन ऐसा खास उपाय जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक ऐसा ज्योतिष उपाय जो आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है। अगर आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्या है उसके लिए भी खास उपाय, और साथ में जब कहते हैं ना किसी की नज़र या हाय दोष लग जाती है तो आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इस तरह की स्थिति के लिए भी कुछ खास उपाय है आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर किसी की नज़र हाय दोष लग चुकी है, बच्चों को आए दिन किसी की नज़र लगती है, बच्चे चिड़चिड़े हैं, बच्चे चाहे फिर वो छोटे हों चाहे बड़े हों, खासतौर से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वो गुस्सा करने लगते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, इसलिए कि उन्हें जीवन में बहुत कुछ पाना होता है, करियर में तरक्की चाहिए होती है, शादी विवाह को लेकर कोई समस्या है, बहुत बड़े बड़े उनके सपने होते हैं। अगर वो सपने कहीं ना कहीं उनके पूरे नहीं हो पाते तो उनमें एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, एक ऐसी नेगेटिविटी उनके दिमाग में हावी होने लगती है जिससे कि वो आगे बढ़ नहीं पाते। तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है ये, आप ये छोटा सा उपाय करें जायफल का और अपने बच्चे की जीवन की वो परेशानी दूर करें जो एक माँ चाहती है कि सच में उसका बच्चा मानसिक तौर से स्वस्थ रहे, उस पर किसी की प्रकार की कोई नज़र हाय दोष है तो वो दूर हो जाए और किसी भी प्रकार का गुस्सा या चिड़चिड़ापन हो तो वो दूर हो जाए। तो इस दुर्गा अष्टमी की जो नौमी तिथि है जो कि गुप्त नवरात्रि की नौमी तिथि है, इस दिन आप 2 जायफल ले लीजिए। ये उपाय सुबह या शाम आप किसी भी समय कर सकते हैं। आपको 2 जायफल चाहिए। जायफल आप पहले माँ दुर्गा को अर्पण कर दें। जायफल जो पूजा में लगता है और आपने 2 जायफल ले लेने हैं, ध्यान से समझ लीजिए, और अब आपने इसे माँ दुर्गा को अर्पण करना है। अब आपका बच्चा अगर आप घर में ही हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा, मैंने आपको पहले ही बताया बच्चा कोई भी क्यों ना हो, छोटा या बड़ा, अब दोनों बच्चे के लिए, मतलब बच्चों के लिए ये उपाय माँ अवश्य ही करें। 2 जायफल आपने माँ दुर्गा को अर्पण कर देने हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, आप जो समस्या दूर करना चाहते हैं बच्चे के जीवन से वैसी प्रार्थना करें और उस जायफल को आप उठा लें। उठाने के बाद आप बच्चे को बिठाएं पूर्व दिशा की तरफ मुख करके और इस जायफल को बच्चे के सर से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा आपने घुमाना है, 7 बारी घुमा लीजिए और इस जायफल को ले जाकर किसी भी वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद के दबा दीजिए या तो फिर किसी सुनसान जगह के नीचे गड्ढा खोद के दबा दीजिए। कम से कम 1 फीट तक आप गड्ढा खोदिए थोड़ा सा और अंदर को दबा दीजिए और वहीं बोले कि जो भी बुरी नेगेटिविटी है वो मेरे बच्चे के जीवन से दूर हो रही है, किसी प्रकार की नज़र हाय दोष है वो मेरे बच्चे के जीवन से दूर हो चुकी है। ये उपाय आप एक माँ अपने बच्चे के लिए ज़रूर से ज़रूर करे। अगर विवाह में अड़चने बाधाएं आ रही तो वो भी अवश्य ही दूर होंगी। कहते हैं कई बार रिश्ता आते आते दरवाजे से लौट के चला जाता है, तो जो भी परेशानियां हैं वो अवश्य दूर होगी और बच्चे के सर से कुछ पैसे वार के किसी गरीब को ज़रूर दें। अब दूसरा उपाय, अगर धन से जुड़ी हुई समस्या है, पैसा आपके घर में टिकता नहीं है, बरकत नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, तो इस गुप्त नवरात्रि की नौमी तिथि पर कर लीजिए 7 लौंग का ये खास अचूक सा उपाय। देखिए आपने 7 लौंग लेनी है। पूजा पाठ में लौंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और ख़ास तौर से जब माँ दुर्गा की पूजा की जाए तो उसमें तो लौंग का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व होता है। लौंग की पूजा से और लौंग के हवन से माँ दुर्गा बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और जब हो गुप्त नवरात्रि तब तो लौंग का ये खास उपाय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा खास विशेष हो जाता है। तो लौंग आपने 7 लेनी है और एक छोटा सा आपको लाल रंग का कपड़ा चाहिए, उसके ऊपर आपने इस लौंग को रख देना है। साथ में आपको चाहिए थोड़ा सा सिंदूर, सिंदूर भी आप इसी पे रख दीजिए और रखने के बाद आपने इस पोटली को बना लेना है लाल धागे से और इसे माँ दुर्गा को अर्पण करें। अर्पण करने के बाद वहीं बैठकर आपने माँ दुर्गा के बीच मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडहे विच्छे, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे घर में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाए और आप अपनी असीम कृपा दृष्टि हमारे घर परिवार पर बनाएं। मेरे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हो और धन की बरकत हो।
घर में सुख समृद्धि हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए इस छोटी सी पोटली को आपने अपने धन रखने के स्थान पर रख देना है। जहाँ भी आप पैसा रखते हैं, चाहे आप 100 रुपये आपने गुल्लक बनाया हो, छोटा सा ये डब्बा ही क्यों ना हो, मगर अगर आपने नहीं बनाया तो ज़रूर से ज़रूर अपने घर में छोटा सा डब्बा या छोटा सा गुल्लक ला के पिगी बैंक रखें और उसके अंदर इन लौंग की इस छोटी सी पोटली को डाल दें। फिर देखें आप चमत्कार, माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और 40 दिन तक या आने वाली नवरात्रि जो शरद नवरात्रि पड़ेंगी तब तक आप इसे रखा रहने दीजिए। और फिर जब शरद नवरात्रि की नवमी तिथि आए तो फिर से आपने इस लौंग को निकाल कर किसी भी पीपल की वृक्ष की टहनी पर बांध दीजिए और एक नई पोटली फिर से बनाकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। इस तरह से करके देखिए नवरात्रि की नवमी तिथि पर ये 7 लौंग का उपाय धन से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या उसे अवश्य दूर करेगा। घर में कोई भी नज़र बाधाएं हैं वो अवश्य दूर होंगी। तो ये 2 छोटे खास उपाय कर आप अपने जीवन की परेशानी फिर वो किसी भी प्रकार की उसे दूर कर सकते हैं, भगवान शिव शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं, साथ में माता रानी को भी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।